नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी बरकरार है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है इस वक्त। और इसी के साथ आइए प्रोग्राम की शुरुआत। कच्चा चिट्ठा प्रोग्राम में क्या खास है? चीन से फैले कोरोना वायरस ने दुनिया में बड़ी तबाही मचाई। आज भी लाखों की तादाद में लोग इस घातक वायरस की चपेट में हैं। हालांकि चीन अब तक कोरोना के वुहान कनेक्शन से इनकार कर रहा है। चीन ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि उसी की लैब से ये वायरस पूरी दुनिया में फैला है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा सनसनीखेज वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिससे चीन का झूठ बेनकाब हो जाएगा। पहली बार वुहान की लैब से कोरोना फैलाने वाले चमगादड़ों का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में चीन के शोधकर्ता चमगादड़ों को कीड़े खिलाते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ों को पिंजरों में कैद करके रखा गया है। वुहान लैब का सनसनीखेज वीडियो। चीन के भीषण वैज्ञानिकों का भेद खुल गया। किलर लैब में चमगादड़ क्यों रखे गए थे? कोरोना वायरस दुनिया भर में करीब 40 लाख लोगों की जान ले चुका है। अब भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस घातक वायरस की चपेट में। कोरोना को काबू करने और इसका सटीक इलाज ढूंढने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। तो कोरोना के वुहान कनेक्शन की जांच भी जारी है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने चीन को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। 10 मिनट के इस वीडियो में वुहान लैब में बरती जा रही लापरवाही साफ देखी जा सकती है। चमगादड़ों पर प्रयोग के दौरान किस तरह कोरोना वायरस प्रयोगशाला से बाहर आया और दुनिया में तबाही मचाई, इसका सबूत है ये वीडियो। वुहान लैब से पहली बार सामने आई तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है कि यहां पिंजरे के अंदर चमगादड़ों को रखा जाता था। मतलब ये कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का वो दावा बेमानी है जिसमें कोरोना के वुहान लैब से निकलने को साजिश करार दिया गया था। दरअसल ये वीडियो चाइना एकेडमी ऑफ साइंस ने जारी किया था। 10 मिनट का ये वीडियो मई 2017 का है। इस वीडियो को वुहान लैब में नए बायो सेफ्टी लेवल 4 के हिसाब से सुरक्षा शुरू होने पर जारी किया गया था। इसमें हादसा होने की सूरत में सुरक्षा मानकों की जानकारी दी गई थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसमें ये दिखाया गया है कि चमगादड़ों को पिंजड़े में कैद करके रखा जाता है। वुहान की कातिल प्रयोगशाला से जुड़ा एक पुराना वीडियो चीन के लिए मुसीबतें खड़ी करने वाला है। इससे न सिर्फ चीन की वुहान लैब पर सवालिया निशान लगेंगे बल्कि WHO के एक विशेषज्ञ पीटर दासजाक के दावों पर भी सवाल खड़े होंगे। पीटर दासजाक ने कहा था कि चीन की वुहान लैब में चमगादड़ रखे जाने का दावा एक साजिश का हिस्सा है। चीन के इस वीडियो से WHO का किरदार भी संदेह के घेरे में। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या WHO चीन को बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या WHO चीन की वुहान लैब से बाहर आए वायरस की थ्योरी को झुठलाने की कोशिश कर रहा है? और अगर WHO ऐसा कर रहा है तो क्यों? वैसे फिलहाल ये वीडियो सुर्खियों में। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चमगादड़ों को पिंजड़ों में रखा गया है। यही नहीं, इस वीडियो में एक वैज्ञानिक चमगादड़ को कीड़े खिलाता भी नजर आता है। इस वीडियो में चीन के वुहान लैब के डिप्टी डायरेक्टर सोंग डोंगलिन ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि बायो सेफ्टी लेवल 4 के तहत प्रयोगशालाएं तैयार करने का चीन के पास कोई तजुर्बा नहीं है। मतलब ये कि चीन ने बिना किसी तजुर्बे के चमगादड़ों पर खतरनाक प्रयोग किए।
2004年在接受健身人物之初，我们国家没有P4实验室设计与建设的经验，缺少高压灭菌锅以及人员防护的生命维持系统的使用与管理经验，国家的技术规范也在完。 जाहिर है, बिना किसी अनुभव के चीन के शोधकर्ता बैट कोरोना वायरस में जेनेटिक बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि चाइना एकेडमी ऑफ साइंस के इस वीडियो की खोज शोधकर्ताओं के एक ऐसे दल ने की है जो खुद को ड्रास्टिक यानी कि भीषण बुलाते हैं। ये शोधकर्ता कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले कई शोधकर्ताओं ने दावा किया था कि वुहान लैब में चमगादड़ रखे जाते हैं। अगर मनुष्य के द्वारा बनाया गया है तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये वायरस बदलता रहता है, तो और ना इसको दुनिया के किसी देश के किसी बॉर्डर से रोका जा सकता है, तो ये तो सबके लिए समस्या बन जाएगा। भले ही चीन के शोधकर्ताओं ने ही वुहान में चमगादड़ों पर हो रही रिसर्च और उससे हुई गड़बड़ी का वीडियो खोज निकाला हो, लेकिन ये भी सच है कि चीन के बहुत सारे शोधकर्ता चोरी छिपे इस तरह का रिसर्च कर रहे थे। बैट वुमन के नाम से जाने जाने वाली चीन की मशहूर वायरोलॉजिस्ट यानी विषाणु विशेषज्ञ शी जेंगली भी ऐसी ही शोधकर्ताओं में से एक है। लेकिन वुहान की वायरस लैब के वीडियो से पहली बार पता चला है कि उन्होंने कितने बैट सैंपल इकट्ठा किए थे। PIS这种平台呢，为我们提供了一个更好的一个防护平台，那么这个防护平台可以保证我们从事刺激病原研究的这些科研人员有一个安全的工作环境。对他们的试验情况以及意外提供必要的技术支持，时刻跟实验室的人员保持着及时的通信联络，对他们的试验情况以及意外提供必要的技术支持。 वुहान लैब के सीक्रेट वीडियो से साफ हो जाता है कि वहां चमगादड़ों पर बहुत पहले से शोध चल रहा था। चीन के शोधकर्ता चमगादड़ों में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के वायरस का पता लगा रहे थे और इसी से कोरोना नाम की महामारी फैली। लेकिन अब भी इस थ्योरी पर पूरी तरह यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन पर ये आरोप भी लगे हैं कि वो चोरी छिपे जैविक हथियार तैयार कर रहा था। इसी क्रम में कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई, लिहाजा बहुत मुमकिन है कि चीन ने जैविक हथियार वाली थ्योरी को छिपाने के लिए अपने ही शोधकर्ताओं के माध्यम से 2017 का वीडियो लीक कराया। वैसे भी सबको पता है कि वुहान लैब तैयार करने के लिए फ्रांस ने भी फंडिंग की थी, लेकिन प्रयोगशाला तैयार होते ही चीन ने फ्रांस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। चमगादड़ से वायरस को निकाल के और उसको किसी तरह से चेंज करके और फिर उसका चाइना के किसी लैब से लीक होना या रिलीज होना एक संभावना है जिसकी जांच चल रही है। मनुष्य द्वारा बनाया गया वायरस है, उसकी पुष्टि तो तभी हो सकती है जब चाइना खुले तौर पे जांच करने की छूट दें और लोग जाकर उसको चेक कर सकें। कुछ तो ऐसा है जिस पर चीन पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, वरना अचानक से चमगादड़ वाली थ्योरी सामने नहीं आती। जिस देश से एक भी तस्वीरें और वीडियो बाहर नहीं आ सकती, वहां की खुफिया लैब का 2017 का वीडियो लीक होना शक पैदा करता है। बहुत मुमकिन है कि चीन चमगादड़ वाली थ्योरी को बल देकर जैविक हथियार वाली थ्योरी को दबाने की साजिश रच रहा हो, लिहाजा जांच जरूरी है। जांच होगी तभी पता चलेगा कि शी जिनपिंग के भीषण शोधकर्ता वुहान लैब में आखिर क्या गुल खिला रहे थे। और बहुत मुमकिन है कि चीन अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए खुद ही चमगादड़ वाली थ्योरी को बल दे रहा हो, लेकिन यह भी सच है कि उसकी प्रयोगशालाओं में चमगादड़ों पर ऐसे रिसर्च हो रहे थे जिससे घातक वायरस फैल सकते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या चीन अब चमगादड़ों पर शोध को रोक देगा? शायद नहीं। वैसे एक बार फिर चीन पर कोरोना महामारी की मार पड़ती नजर आ रही है। चीन के ग्वांगझू में कोरोना के डेडली वेरिएंट ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। खबर है कि चीन में कोरोना के 24 नए वेरिएंट मिले हैं। ये नहीं, चीन की सरकार ने ग्वांगझू के लोगों को बाहर निकलने से मना कर दिया है, जबकि लोकल पुलिस ड्रोन के जरिए लोगों की गतिविधियों पर निगाह रख रही है।
कोरोना का संकट काल अभी टला नहीं है, कोरोना पर पूरी तरह काबू हुआ नहीं है, कोरोना के पैरों में जंजीर डालने की कोशिशें जारी हैं, तो अभी तक कोरोना के वुहान कनेक्शन की पड़ताल भी हो रही है। लेकिन इसी बीच एक नई आफत सामने आ गई है। चीन के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे पूरी दुनिया सकते में है। दरअसल चीन के शोधकर्ताओं को दक्षिण पश्चिमी चीन के चमगादड़ों में कोरोना वायरस के 24 नए जीनोम मिले हैं। इनमें से 4 मौजूदा कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 वायरस के जैसे ही हैं और लगभग इतने ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। चीन के शोधकर्ताओं ने मई 2019 से नवंबर 2020 के बीच जंगलों में पाए जाने वाले छोटे चमगादड़ों के नमूने लेकर उनकी जांच शुरू की थी। इनके मल, मूत्र और मुंह से लिए गए नमूनों की बारीकी से जांच करने पर एक जीनोम ऐसा मिला जो कि बिल्कुल कोविड-19 की तरह है। ये अब तक पाए गए तमाम जीनोम में से कोविड-19 का सबसे करीबी वेरिएंट है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें स्पाइक प्रोटीन जैसे कुछ आनुवांशिक अंतर हो सकते हैं। 4 इंसर्शंस उस वायरस में जो स्पाइक प्रोटीन होती है उसके ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं हो सकते, वो कृत्रिम रूप से उसमें चेंज किया गया है। इसलिए हम बार बार पिछले 15 महीनों से हम सभी ये कह रहे हैं और बहुत सारे वैज्ञानिक पूरी दुनिया में ये बात कह रहे हैं कि ये वायरस प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम वायरस है, लैब में बनाया गया है और इसीलिए इसका जो इन्फेक्टिविटी है इतनी अधिक है। और ये ज़रूर इन्होंने कहीं पे इसको प्रयोग करके और फिर लीक किया है लैब से। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच चीन की नई खोज दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, खासकर भारत के लिए जहां दूसरी लहर ने ही ऐसी तबाही मचाई थी कि स्वास्थ्य सेवाएं धराशायी हो गई थी। तो आपको बता दें कि चीन के शोधकर्ताओं ने इन 24 नए जीनोम के मिलने के बाद आशंका जताई है कि कोरोना महामारी का संकट थमने की उम्मीद फिलहाल बहुत कम है। पिछले साल जून में थाईलैंड से मिले स्वरूप और अब बिल्कुल उसी से मिलते जुलते जीनोम के सामने आने से साफ है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों में लगातार फैल रहा है और कुछ इलाकों में इसके फैलने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। सभी देश इसमें जुटे हैं, किस तरह से इसको रोकथाम किया जाए, इलाज वायरस का कोई होता नहीं है और इस तरह से अगर ये चीन करता रहेगा तो फिर तो सारी दुनिया को मिलके कुछ गंभीर रूप से चीन के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन तो करना पड़ेगा। और बिल्कुल ये रिसर्च और गेन ऑफ फंक्शन जिसे कहते हैं वो कर रहे हैं वायरसेस पे, जो बहुत चिंताजनक बात है। चीन की काली करतूतों का खमियाजा पहले से ही दुनिया के तमाम देश भुगत रहे हैं। अब एक बार फिर वहां से कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने की बात डराने वाली है। वैसे आपको बता दें कि कोरोना की नई लहर ने चीन को भी एक बार फिर शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है। चीन के दक्षिण शहर ग्वांगझू में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए, जिससे कोरोना के नए वेरिएंट के मामले बढ़कर 100 हो गए। लोगों को घरों के भीतर रखने और बाहर जाते हुए उन्हें मास्क पहनने की याद दिलाने के लिए 60 ड्रोन तैनात किए गए। ग्वांगझू में ड्रोन के अलावा फोन पर स्वास्थ्य की जानकारी लेने, टेम्परेचर मापने और संक्रमण की अधिक आशंका वाले इलाकों की यात्रा करने वाले लोगों के आइसोलेशन जैसे कदमों से भी निगरानी की जा रही है। चीन का दावा है कि ग्वांगझू में कोरोना वायरस का वो वेरिएंट मिला है जो भारत में पाया गया है, मतलब डेल्टा वेरिएंट। लिहाजा ग्वांगझू का कई शहरों से संपर्क तोड़ दिया गया है। शहर और आसपास के लोगों के इलाके से बाहर जाने पर पाबंदी है। वहां सिनेमा हॉल, मॉल जैसी सार्वजनिक जगहों को भी बंद कर दिया गया है। चीन भले ही ग्वांगझू में कोरोना की दस्तक से हिल गया हो, लेकिन इसका कारण कहीं ना कहीं वो खुद है। वो चीन ही है जो अपनी प्रयोगशालाओं को वायरस का एपिसेंटर बना रहा है। वो चीन ही है जो कोरोना को दुनिया भर में फैलाने का काम कर रहा है। लिहाजा कोरोना के चीन कनेक्शन का कच्चा चिट्ठा जितनी जल्दी खुले उतना अच्छा होगा। चीन आजकल बेलगाम घोड़ा है और इसको नियंत्रित करना, और अगर ये नियंत्रित नहीं होते हैं तो इनके खिलाफ
चाहे सैनिक कार्रवाई करनी पड़े, चाहे जैसे भी हो, ये अमेरिका को देखना है, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या होने जा रही है। अगर ये बात सच है कि 24 और नए वायरस मिले, तो इसका मतलब ये अभी भी उसमें लगे हुए कृत्रिम रूप से वायरस को ऑल्टर करने में। चीन और घातक कोरोना वायरस का संबंध बहुत जल्दी दुनिया के सामने होगा। अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अमेरिका के साथ कई यूरोपीय देश भी अब चीन का मुखौटा नोच फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं। भारत भी इन देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। लेकिन जब तक कोरोना का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता, तब तक सतर्क रहना और सावधानी बरतना जरूरी है। चीन खुद को बड़ा शातिर समझता है। चीन को लगता है कि वो मनमानी करता रहेगा और दुनिया के दूसरे देश कबूतर की तरह आंख बंद किए रहेंगे। लेकिन 7 देशों के शक्तिशाली समूह यानी G7 ने चीन की इस गलत फहमी को दूर कर दिया है। G7 देशों ने चीन को बेड़ियों में जकड़ने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। WHO पर कोरोना उत्पत्ति की जांच दोबारा शुरू करने के दबाव के साथ दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन को काबू में रखने के लिए G7 देशों ने एक्शन प्लान तैयार किया है। हालांकि चीन ने हमेशा की तरह G7 देशों को गीदड़ भभकी दी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस बार चीन के लिए बहुत कठिन है। डगर पनघट की चीन को घेरने का ब्लूप्रिंट तैयार। सात देशों का समूह करेगा प्रहार। बौखलाए चीन का जुबानी पलटवार। दुनिया में अपने विस्तारवाद से तहलका मचाने वाला चीन, कमजोर देशों को धमकाने वाला चीन, कर्ज का जाल बिछाकर छोटे देशों को फंसाने वाला चीन, अपनी ताकत के दम पर सुपर पावर बनने का सपना देखने वाला चीन, अपनी महत्वाकांक्षाओं को हकीकत की जमीन पर उतारने की कोशिश करने वाला चीन, कोरोना वायरस फैलाकर तबाही का सबब बनने वाला चीन अब सहमा हुआ है। चीन की साजिशें 7 दीवारों में कैद होने वाली। ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन खत्म हुआ। इस शिखर सम्मेलन में सभी 7 देशों ने चीन को घेरने और उसके नापाक मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया। इस सम्मेलन में सभी 7 देशों ने कोरोना के ओरिजिन की जांच करने, चीन की चुनौतियों से निपटने और शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन रोकने के साथ साथ ताइवान के साथ चीन के तकरार पर गंभीर चर्चा की और फैसला किया कि अब समय आ गया है चीन को सबक सिखाने का। कोरोना वायरस की महामारी फैलने के मुद्दे पर चीन हमेशा से कटघरे में खड़ा नजर आया है। लिहाजा ब्रिटेन में हुए G7 समिट के दौरान सदस्य देशों ने वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए नई स्टडी की मांग की है। हालांकि चीन की भूमिका को लेकर पहले भी जांच की गई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम चीन भेजी गई थी, लेकिन उसे पूरा डेटा नहीं दिया गया था। लिहाजा अब अमेरिका के सुर में सुर मिलाते हुए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और ब्रिटेन ने नए सिरे से जांच करने और चीन के कोरोना कनेक्शन को बेनकाब करने का प्लान तैयार किया है। G7 देशों ने मांग की है कि WHO एक्सपर्ट से COVID-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए विज्ञान पर आधारित पारदर्शी जांच समय से कराई जाए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने वुहान लैब से लीक वायरस से कोरोना फैलने की आशंका पर अधिकारियों के तुलनात्मक नोट और व्यापक जांच की मांग की है। WHO ने भी कहा है कि वायरस की उत्पत्ति के अध्ययन का पहला चरण निर्णायक नहीं था। वहां पर 4 सिद्धांत थे, लेकिन उन पर अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इसलिए WHO भी दूसरे चरण की ओर बढ़ना चाहता है, ताकि वायरस के एपिसेंटर का पता लगाया जा सके। मतलब ये कि G7 के दबाव में ही सही, लेकिन WHO अब वुहान के वायरस कनेक्शन की नए सिरे से पड़ताल करने को राजी हो गया है। तो शायद यही वजह है कि चीन को मिर्ची लगी है। 作为发达国家集团
As a group of developed countries, the G7 should take more concrete action in world recovery and helping developing nations instead of stirring up conflict. The G7 includes countries that have been hit by the pandemic, but they also include those with the most advanced medical technology. They should focus on cooperation and the equitable distribution of vaccines, as opposed to hoarding vaccines for their own good. चीन की बौखलाहट इस बात का प्रमाण है कि वो कोरोना की उत्पत्ति से जुड़े कुछ ऐसे सच छिपाने की कोशिश कर रहा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उसकी छवि बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। साथ ही चीन को इस बात का भी डर सता रहा है कि उसकी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। G7 समिट में चाइना मेरे ख्याल इस बार टारगेट रहा है और इस वजह से चाइना को काफी तकलीफ है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया और स्पेशली ये वर्ल्ड लीडर लीडिंग कंट्रीज इकट्ठे हो रहे हैं चाइना के खिलाफ, उसकी इकॉनमी के खिलाफ, उसकी वुहान वायरस के खिलाफ, ये सभी चीज़ें चीन को चिंता में डालता है। काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम, चिंता की विषय है चाइना के लिए। और लोगों का कहना है कि G7 ख़त्म हुआ है, मुझे लगता है G7 अब शुरू हुआ है। G7 देशों ने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ भी चिंता जाहिर की है। G7 की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि चीन को शिनजियांग में मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए। चीन पर आरोप है कि वो शिनजियांग प्रांत में रहने वाले वीगर मुसलमानों के अधिकारों का हनन और उनका शोषण कर रहा है। यही नहीं, G7 देशों ने हांगकांग को ज्यादा स्वायत्तता देने की भी मांग की है और दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन को किसी भी देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने से बचने की चेतावनी दी है। 7 देशों के समूह G7 ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी सवाल उठाए हैं। इसे कई देशों की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। ये जो एक अपने आप में स्लोगन है, ये बहुत तेजी से काम करेगा। ये चाइना को पूरे दुनिया से बचाएगा। साथ ही साथ जो उनका चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, दैट विल बी न्यूट्रलाइज, बिकॉज उस बेल्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव में चाइना तकरीबन 100 देशों को असर करता है। जिस तरीके से वो इकोनॉमीज को असर करेगा, तो 100 देश अगर इकट्ठे होते हैं G7 के इनिशिएटिव्स के अंडर, G7 के काउंटर इकोनॉमिक जो इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए $40 trillion इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। G7 देशों का ये भी मानना है कि चीन अपने व्यापारिक हितों के लिए दूसरे देशों को बर्बाद करने की नीति पर काम कर रहा है। ऐसे में चीन के बाजार, व्यापार और उसकी अर्थव्यवस्था को चुनौती देने के लिए मिलकर काम करना होगा। एक बयान में G7 ने कहा कि चीन और वैश्विक अर्थव्यवस्था को मिल रही प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में हम बाजार निर्देशित अर्थव्यवस्था से अलग नीतियों और तरीकों को चुनौती देने के लिए सामूहिक पहल के लिए परामर्श करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे तरीके वैश्विक अर्थव्यवस्था के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन को कमजोर बनाते हैं। लेकिन चीन इसे अपने खिलाफ दुर्भावना बता रहा है। चीन का मानना है कि G7 देशों का समूह उस पर कोई भी फैसला थोप नहीं सकता, लिहाजा आशंका यही जताई जा रही है कि बौखलाहट में कहीं चीन कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे जंग का शंखनाद हो जाए। चीन का प्रोटेस्ट एक अपने आप में उसके खुद के लिए प्रॉब्लम है। जब वो कहता है कि G7 डज नॉट रिप्रेजेंट द वर्ल्ड, यस चाइना, यू ऑल्सो डू नॉट रिप्रेजेंट द वर्ल्ड। आप हर जगह हर चीज़ में दादागिरी करेंगे, क्योंकि आपने एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हासिल कर ली, आपने पूरी दुनिया जीत ली। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, G7 इज नॉट द अल्टीमेट, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, चाइना को ये ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि वो भी पूरे वर्ल्ड का ठेकेदार नहीं बन सकता। चीन अब भी अपनी ही हेकड़ी में है। उसे लगता है कि उसकी अर्थनीति इतनी मजबूत हो गई है कि वो दुनिया के शक्तिशाली देशों को भी चुनौती दे सकता है। जबकि हकीकत यह है कि अगर सभी देश एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो चीन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। G7 ने इसकी शुरुआत कर दी है और अब G20 की बारी।
और दुनिया के शक्तिशाली देश महाविनाश की मंडी सजाए बैठे हैं। ताकत के दम पर अपनी धौंस जमाने के लिए देश परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर रहे हैं। कोई इस होड़ में पीछे रहने को तैयार नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन दुनिया भर के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था सिप्री की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में कई देशों ने अपनी एटमी ताकत को बढ़ा लिया है। चीन और पाकिस्तान समेत कई देशों ने ऐसे घातक परमाणु हथियार तैयार कर लिए हैं जो किसी भी वक्त तबाही का सबब बन सकते हैं। कंगाल पाकिस्तान ने न सिर्फ अपना रक्षा बजट बढ़ाया है बल्कि 5 नए परमाणु बम बनाए हैं। पूरी दुनिया परमाणु बमों के ढेर पर बैठी है। ऐसे में अगर विश्व युद्ध शुरू हो गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने अपनी एटमी ताकत बढ़ाने का काम जारी रखा हुआ। दुनिया भर के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था सिप्री की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के दशक के बाद पहली बार दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या में कमी आना रुक गया है। परमाणु हथियार संपन्न देश न केवल अपने परमाणु हथियारों को ज्यादा घातक बना रहे हैं बल्कि ये उनकी संख्या भी बढ़ा रहे हैं। पिछले एक साल में भारत के धुर विरोधी देशों चीन ने 30 और कंगाल पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु बम बनाए हैं। सिप्री की माने तो इस साल तुरंत इस्तेमाल किए जाने वाले परमाणु बमों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। दरअसल परमाणु बमों की कुल संख्या में भले ही कमी आई हो, लेकिन तुरंत इस्तेमाल के लिए सेना के पास तैनात परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ गई है। साल 2020 में 3,720 परमाणु बम तैनात थे, वहीं साल 2021 में 3,825 परमाणु हथियार कभी भी हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हालत में रखे गए हैं। अलर्ट पर रखे गए महाविनाशक हथियारों में 2,000 परमाणु बम तो केवल रूस और अमेरिका के हैं।